अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। औरतों के साथ कढ़ाई करते समय शारदा को पढ़ाई के महत्व का एहसास होता है और आज माँ सरस्वती के सामने मैं तुम्हें अपना गुरु मानती हूँ। साक्षी सुरेश से शारदा को एक बार फिर कोचिंग सेंटर भेजने की इजाजत मांगती है। तुम शारदा को स्कूल कोचिंग जहाँ भेजना चाहती हो भेजो। उन्होंने आपको जाने की परमिशन दे दी। अब आपके कोई बहाने नहीं चलेंगे। अब आपका रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। आपको कल से कोचिंग क्लासेस जाना ही होगा। कल से? हाँ। नहीं नहीं बेटा, कल तो करण का जन्मदिन है। क्या जन्मदिन है करण का? कल करण का बर्थडे है। हाँ वही। नहीं माँ बोलिए, बर्थडे बर्थडे बर्थडे, वेरी गुड। तो ठीक है, कल आप कोचिंग क्लासेस जाएंगे और जब आप लौटेंगे तब हम मिलकर करण का बर्थडे मनाएंगे। तो बताइए, कल आप कोचिंग क्लासेस जाएंगी ना माँ? सच में करण को भी बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए ना माँ, आप जाएंगी ना? You're the best mom. तू भी ना बहुत जिद्दी है। Yes! Six! Man! करण, इमेजिन करो एक सीन चल रहा है। हस्बैंड दिन भर की थकान के बाद आराम से बैठकर घर में मैच देख रहा है। इतने में वाइफ आती है। पता है उससे क्या कहती? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बता ही देंगे। ऑफ कोर्स। वाइफ कहती है, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गए ऑफिस से, वापस जाके काम क्यों नहीं करते? अब आ ही गए तो ये सुनिए मैंने दिन भर में क्या किया। आज मैंने चाय बनाई, रोटी जलाई, सब्जी उबाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं बता देता हूँ कि ऑफिस की मीटिंग से आ रहा हूँ, काम खत्म हो गया है। और देखो मुझे तुम्हारे डेली रूटीन में कोई दिलचस्पी नहीं। वेरी गुड। वैसे मेरा दिन तो बहुत ही बोरिंग था। मैं तो आपसे ये कहने वाली थी कि आप यहाँ घर पे क्यों बैठे हैं? आपको तो बाहर जाना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। कितना टाइम हो गया, आप उन्हें मिस नहीं करते हो क्या? लड़के एक दूसरे को मिस नहीं करते। मिस नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ, मिल तो सकते हो ना? आई मीन बीवी हूँ मैं आपकी, इतना तो फर्ज बनता ही है ना। तुमने मुझे समझा क्या? जोरू का गुलाम, जो तुम कहोगी वही करता रहूंगा। मुझे मैच देखने दो प्लीज। ठीक है। ब्रिलियंट आइडिया। क्रिकेट मैच तो मुझे भी देखना था। आपको पता है मैं भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन, मिलकर देखेंगे बहुत मजा आएगा। ऑफ कर दिया? क्या हुआ? वैसे अच्छा ही हो ऑफ कर दिया, मैच इतना इंटरेस्टिंग भी तो नहीं था। अब चलिए आप उठ ही गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कहीं बाहर चलते हैं ना, मौसम भी कितना अच्छा है। मुझे कुछ काम है। काम? हाँ वो मुझे दोस्तों से मिलने जाना है और हो सकता है मैं ऑफिस भी जाऊँ। सो तुम क्या करोगी वहाँ आके? काम करते हैं, हम फिर कभी चलते हैं। हाँ ठीक है। ओके बाय। अब होगी करण की बर्थडे की तैयारी। देखना करण, आपका बर्थडे बहुत ही स्पेशल होगा। यस। आज का प्लान पक्का है ना? ऑफ कोर्स डूड। बाइक्स एंड बाइक ग्रुप के बाइक कंपटीशन के लिए परफेक्टली रेडी हैं। ये हुई ना बात, मैं अपना बर्थडे ऐसे ही शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन तुझे टिकट्स मिल गए? हाँ मैंने पासेस पहले ही अरेंज कर लिए थे। स्पेशल बाइक कॉस। या कोई है? हाँ। करण तेरे नाम का पार्सल है। अच्छा पर मेरे का? तू करण मोदी जिसने भेजा उसे नाम ही नहीं मेंशन किया। करण सीक्रेट गर्लफ्रेंड? क्या बात कर रहा है यार,
पता नहीं किसने भेजा है। वाओ चॉकलेट। अबे कहीं ताशा ने तो नहीं भेजा? नहीं यार, ताशा तो चिड़ी हुई है, वो क्यों भेजेगी। लेकिन इतनी इडियट तो नहीं हो सकती कि इतना गर्ली गिफ्ट मुझे भेजेगी। ये बिल्कुल लड़कियों वाला है चॉकलेट्स। जो लोग मुझे जानते हैं दे नो आई हेट चॉकलेट्स। तो परेशान क्यों हो रहा है यार? गाइस एक काम करते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। ओके लेट्स गो। हेलो भाभी, रोहन। भाभी अब लोग कैफे जा रहे हैं। हाँ प्लान इज ऑन, बट एक प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, अभी इस बैटरी को अभी जाना था चार्जर। ओए फोन जेब में रख, चल यहाँ से, चल अभी कर, चल ना। भैया वहां लगा दो, वो बेटर लगेगा। आप वो स्ट्रीमर यहाँ लगा दो ना। हाँ दिया, कैसा लग रहा है? नाइस, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मामू को तो अच्छा लगेगा ना? पता नहीं, पर मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप भी ना मेरे बर्थडे पे मुझे भी ना ऐसा ही सरप्राइज देना। ऐसा नहीं, इससे बहुत बड़ा क्या सरप्राइज होगा ना। अच्छा जल्दी जल्दी बलून। हाँ। मैं करण के फ्रेंड को फोन करके पूछती हूँ कि उन्हें मेरा गिफ्ट मिला या नहीं। और रात के 12 बजे जब करण घर आएंगे, सरप्राइज। फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अब मैं क्या करूं? ये सारी चीजें जल्दी से दे आई। सो गाइस जल्दी से कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं और मेरे भाई अक्सर ये बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर करण। यस सर, ये आपके लिए और ये भी। अरे सुनिए, क्या बात है करण। हाँ मूछ हो तो नथुलाल जैसी और बर्थडे हो तो करण जैसा। तेरी है कौन जो अपने पैसे और मेरा मूड दोनों खराब कर रहा है? I hate all this nonsense. पहले चॉकलेट्स भेजी अब ये फूल। अबे छोड़ ना यार, ऐसे गर्ली गिफ्ट सिर्फ लड़कियां ही भेज सकती है, और लड़की को देखने का मौका तू खो चुका है। सो स्टूपिड सी लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर एंड लेट्स प्लान फॉर सम बॉयज गेम ना। यस धूम 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 धूम। नहीं यार बोर हो गए हर साल करके। करण इस साल कुछ नया करते हैं, तेरे घर चलते हैं। लेट्स हैव सम फैमिली टाइम यार, तेरा बर्थडे तेरे फैमिली के साथ मनाते हैं। अच्छा तूने ये नहीं कहा कि मंदिर में जाके जगराता हुआ करते तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते। पागल हो गया तू। 11 बजने वाले हैं, जल्दी से कुछ खाते हैं और निकलते हैं। ओके करण तेरा फोन देना, एक कॉल करना है, मेरा ऑफ हो गया इसलिए। ये ले माँ, देखिए ना 11 बज गए, सब सो गए, लेकिन करण अभी तक वापस नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, वो अभी नहीं आएगा, तुम सो जाओ। हेलो क्या बाइक रेस? अच्छा ठीक है। माँ देखिए ना, करण ने कुछ और प्लान्स बना रखे, अगर वो बाइक रेस के लिए चले गए तो मेरा तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। बेटा तू मेरी बात मान, तू सो जा, एक बार उसने फैसला कर लिया है ना तो वो नहीं बदलेगा। नहीं माँ, मैं अपने प्लान को फ्लॉप नहीं होने दूंगी। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। क्या है करण? जल्दी से घर आइए, इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी, क्या हुआ? अरे इमरजेंसी में भी कोई इतने सवाल पूछता है क्या? नहीं ना, जल्दी से आइए। अरे क्या हुआ? गाइस इमरजेंसी है, मुझे घर जाना होगा, चलता हूँ। करण साक्षी, साक्षी इतना अंधेरा क्यों है? साक्षी हेलो
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karan. Happy birthday to you. ये सब क्या है साक्षी? तुम कह रही थी इमरजेंसी है। प्यार और जंग में सब जायज है। वैसे मुझे बताइए, आपको ये सब कैसे लगा? ये सारे बलून, फ्लावर्स, केक, सब कुछ मेरी प्लानिंग थी। आपको अच्छा लगा ना? वैसे ये कैंडल अब जल्दी से ब्लो कीजिए और केक काटिए। स्टॉप इट साक्षी, इडियट हो तुम। हाउ डेयर यू? यू आर जोकिंग राइट? नो, आई एम नॉट जोकिंग। ये सब क्या है? बलून, फूल, वो भी मेरे बर्थडे पे। तुम पागल हो क्या? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि आज की इस बाइक रेस के लिए मैं कब से वेट कर रहा था? तुम्हारे इस स्टूपिड से लड़कियों वाले बर्थडे सरप्राइज ने सब कुछ चौपट कर दिया। आप इतने सेल्फिश हो, मुझे आइडिया नहीं था। ये सब मैंने आपके लिए किया था। ओ हेलो, सेल्फिश मैं नहीं, तुम हो। ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। मेरे बर्थडे को अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करने का एक स्टूपिड आइडिया सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें वो करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता हो। सच में करण, आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम मुझसे दूर ही रहो। और आप भी मुझसे दूर ही रहिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही कल रात के बारे में कोई बात करनी। मैं चाहता हूँ हम दोनों मॉम के पास जाएं और अपना ये रिलेशनशिप डिस्कस करें। करण, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस वक्त हमें मॉम के पास नहीं जाना चाहिए। वो एक नई शुरुआत कर रही है, नई कोचिंग क्लासेस में जा रही है, ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है। हम उनकी टेंशन क्यों बढ़ाएं? मैं बस ये चाहती हूँ कि अभी के लिए आप जाकर माँ को कुछ ना बताएं। कुछ दिन के लिए तो हम प्रिटेंड कर ही सकते हैं ना कि हम एक दूसरे के साथ नॉर्मल हैं। कुछ दिनों के लिए प्रिटेंड करना जी। वो साक्षी कह रही थी आपने इजाजत दे दी है कि मैं पढ़ने जाऊं, तो आज मैं पढ़ने जाऊं? अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं चाहता हूं शारदा कि तुम पढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत साबित करो, और सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के हर सदस्य को, हर उस इंसान को जो ये सोचता है कि तुम पढ़ नहीं सकती। So, All the best. भगवान करे कि तुम पढ़ने लिखने में कामयाब हो। शारदा, खड़े खड़े सपना देख रही हो क्या? जी नहीं, वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शारदा, मुझे कोट कब पहनाओगी? कल साक्षी आई थी ऑफिस में। हाँ, वो मुझे बता रही थी कि आपने इजाजत दे दी है कि मैं पढ़ने जाऊं, तो आज मैं पढ़ने जाऊं? हाँ, जाओ। मैंने तो साक्षी को बहुत समझाया कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जिद छोड़ दे, लेकिन नहीं समझी। अभी बच्ची है, इंसान ठोकर खाने के बाद ही समझता है। जब उसे ठोकर लगेगी तब उसकी समझ में आएगा कि जिस खेल में हार पहले से ही तय हो उसे ना खेलने में ही समझदारी है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम जाओ। तुम भी अपने मन की करके देख लो। और तुम्हारा पढ़ने जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारी बहू की भी समझ में आए
कि कुछ चीजें इंसान के बस के बाहर होती। मॉम, मैंने अभी अभी सुना कि आप फिर से कोचिंग क्लासेस जा रही। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। अच्छा मॉम, आपको पता है ना कि अगर आपको कुछ समझना है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? दिया को कॉल कर लेना। दिया को? क्यों? क्योंकि मॉम, जब कोई बात समझ नहीं आती तो हम अपने सीनियर से, मतलब आगे की क्लास वाले से पूछते हैं ना। तो ऐसे तो दिया आपकी सीनियर हुई, तो आप उससे पूछ लेना। क्यों, सही कहा ना मैंने? ठीक कहा, मैं तो दिया से बात कर लूंगी, लेकिन मुझे भी तुझे कुछ बताना है। बोलो। अगर तू इस बार पास नहीं हुआ ना बेटा, तो तुझे अपने पापा के साथ जाके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। तो अपनी माँ की पढ़ाई की फिक्र मत कर, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी मेरे को लेट हो रहा, मैं कॉलेज आ रहा हूँ। हाय पापी। हाय माँ, आज आपकी क्लासेस का पहला दिन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको कैसे लग रहा है? माँ, अपने मन में विश्वास को जगा के रखी, और फिर देखिए अगर डर कहीं छुपा भी होगा ना, तो भी वो अपने आप ही भाग जाएगा, क्योंकि एक कमरे में दो दो किराएदार नहीं रह सकते। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी तूने? आपसे। अच्छा ये बता, करण को तेरा तोहफा कैसे लगा? माँ, वो बहुत खुश हुए, बहुत तारीफ भी की उन्होंने। माँ आप ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए पापा ने क्या कहा? उनका मूड तो ठीक था ना? उन्होंने आपको ऑल द बेस्ट विश किया ना? हाँ, उन्होंने क्या, घर के सभी लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया मेरा। माँ आप सच कह रही है ना? मैं उतना ही सच कह रही हूँ जितना तू करण के बारे में कह रही है। माँ ये लीजिए आपका बैग, और चलिए बहुत लेट हो रहा है। चलिए माँ। अरे कहाँ चले तुम दोनों? शारदा, मेरा भजन सुनने का वक्त है, चल पहले भजन सुना, फिर बाद में पढ़ाई वढ़ाई कर लेना। दादी, बात सिर्फ भजन की है ना, वो लौट के मैं आपको सुनाऊंगी। तू? अरे मुझे भजन सुनना है, फिल्मी गाने नहीं। दादी आप प्लीज समझ। साक्षी, मैं माझी को भजन सुना देती हूँ, बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। माँ हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। साक्षी, हमने तय किया था ना कि घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है दादी, सुन लीजिए भजन। चल रहने दे रहने दे, यूं मुंह लटका के भजन सुनाने का कोई फायदा नहीं है, जा। चलिए माँ। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको पता है अंदर आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? सरप्राइज, एक ऐसी चीज जिसकी उम्मीद ही आप नहीं कर रहे, लेकिन आपको पसंद बहुत आएगी। लेकिन क्या है बेटा? माँ जो भी है बहुत अच्छा है, आप मुझ पर भरोसा करती है ना? करती हूँ, तभी तो यहाँ तक आई ना। तो अब खुद पर भरोसा कीजिए और यहाँ से जाइए। माँ एक और बात, अगर मैं आपके पास भी नहीं हूं, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और एक बात, आपके बैग में ये रहा आपका आईडी कार्ड, ये आपको पहनना पड़ेगा। लाइए मैं आपको पहनाती हूँ। अब लग रही है ना स्टूडेंट?
साक्षी, यहाँ तो सब औरतें हैं। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। यहाँ सिर्फ औरतें पढ़ने आती हैं, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन जब मैंने आपको बाकी औरतों के साथ देखा था ना, तभी मैंने सोचा कि आपका क्लास ऐसे ही होना चाहिए, जहाँ आप अपनी सहेलियों के साथ घुल मिल पाए, बातें कर पाए। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ आए तो आप प्लीज पूछ लेना, हिंदी में ही सही, लेकिन आप पूछ लेना। हिंदी में? पर बेटा ये तो अंग्रेजी की क्लास है ना? जी माँ, अंग्रेजी क्लास है, लेकिन हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना। तो अगर मौसी की बात समझ में ना आए तो माँ की तो उंगली पकड़नी ही पड़ती है ना। अच्छा ठीक है बेटा। चलिए माँ, ऑल द बेस्ट।